गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बल तथा गति के नियम। आप सबको पता है कि हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया है, तो चैप्टर 9 में हमने कल 9.6 उदाहरण किए थे, आज हम उदाहरण 9.7 करेंगे। आज भी हम न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल करने से पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझते हैं, उसमें दिया क्या है, फिर उसके बाद उसके मान के अनुसार उसका उसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 138 उदाहरण 9.7 देखोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है वो हम पढ़ लेंगे। क्या बोला जा रहा है, 40 के जी द्रव्यमान वाली एक लड़की है, उसका वेट कितना है 40 के जी। 5 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से एक 3 kg द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। इसमें बोला जा रहा है कि एक लड़की है जिसका वेट है 40 kg और वो 3 मीटर पर सेकंड के वेग से इस गाड़ी पे कूदती है। तो यहाँ पे आपका ड्राइंग दिया हुआ है 9.18 में, तो आप देख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे रफली आपको ड्राइंग करके बताएंगे कि लड़की कैसे उस पर जंप करती है। तो मान लो कि ये यहाँ पे लड़की है, क्या है लड़की है, और यहाँ पे क्या है कार है, गाड़ी है। जैसा कि आप इसे देख रहे हो, क्या है एक लड़की है और एक कार है। जैसे कि लड़की है भागती भागती कहाँ जाती है, इस गाड़ी तक पहुंचती है। किस रफ्तार से भागती है, इस बेग से 3 मीटर, इस बेग भागी है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इस गाड़ी तक भागती है। और ये भागते भागते कहाँ पहुंचती है, इस गाड़ी के ऊपर जाकर क्या करती है, जंप कर जाती है। क्या करती है, इस गाड़ी
बेक